हाय फ्रेंड्स दिस इज सोमी एंड यू आर यूआ वॉचिंग सर्विस टिप आज मैं आप लोग के सामने एक न्यूज़ लेके आई हूँ वो ये है कि आप सबको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही एप्पल 13 रिलीज़ हुआ है एप्पल 13 सीरीज रिलीज़ हुआ है और यूट्यूब और सोशल मीडिया में एप्पल 14 के डिज़ाइन के लीक्स हर जगह फैल गए हैं अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमें वेट करना चाहिए एप्पल फोर्टीन सीरीज के लिए या एप्पल थर्टीन जो कि अवेलेबल है उसको ले लेना चाहिए तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि आपको क्या चीज लेना चाहिए और अगर आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए तो चलिए शुरू करते हैं तो बेसिकली ये हुआ है कि एप्पल 14 के डिजाइन लीक्स आ, सोशल मीडिया में हर जगह फैल गए हैं और सोर्स से आ रहा है मैं आपको बता देती तो, तो एक आदमी है एक जुगाड़ू आदमी जिसका नाम है जॉन और उसने ये लीक्स निकाले हैं और मैं आपको बता देती हूँ कि पहले भी उन्होंने लीक्स निकाले थे न्यू लॉन्चेस के बारे में लॉन्च होने के पहले वो लीक सामने आ गए थे और लीक सामने आने के बाद अमेजिंगली वो सारे लीक सच निकले तो आप इनकी बातों का और इनके जो 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 सबूत इनके पास है ये को सही निकलते हैं तो हम इनके सोर्स पर यकीन कर सकते हैं आने वाला है, उसके तो, है। तो, है। तो देखिए एप्पल के एक फोन को बनाने में कई सौ पार्ट्स लगते हैं और कई सौ पार्ट्स कई सौ जगह से भी आते हैं इसके काफी सारे सप्लाई चेन्स बन जाते हैं और छोटे छोटे सप्लायर्स एक साथ आ जाते हैं अब एप्पल क्या करता है ये सिर्फ

क्यों इतना ज़्यादा हाइप में जा रहा है इतना इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है और क्या इसमें कंपनी का कोई फ़ायदा होगा देखिए कभी कभी कंपनी जैसे शाओमी ओपो वीवो बहुत सारी कंपनीज ऐसा करते हैं ब्रांड ब्रांड्स ऐसा करते हैं कि एक हाइप क्रिएट करने के लिए एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए पहले से जो फ़ोन आया नहीं है उसके लीक्स पिक्चर्स निकाल देते हैं ऐसे जिसको तो क्रिएट वो होता है ना चर्चा में रहना है लेकिन ऐपल इतना चीप गिमिक्स करता नहीं क्योंकि उसके फ़ोन बहुत ज़्यादा बिकते भी हैं और प्राइसी भी होते हैं फॉर श्योर तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि जब एक एक फोन लॉन्च हो एक सीरीज लॉन्च हो चुका है एप्पल 13 लॉन्च हो चुका है उसी के टाइम पे जब एप्पल 14 के डिजाइन लीक्स निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोनों फोन्स के बीच एक एक अजीब प्रकार का टक्कर एक कंपटीशन बन सकता है तो अभी वक्त ऐसा है कि व्यूअर्स को यह जानना चाहिए कि उनको कौन सा फोन लेना चाहिए और कौन से फोन के लिए इंतजार करना चाहिए और ये बात तो सही है कि मुझे भी यही लगता है कि इस लीक्स में इन लीक्स में एप्पल का कोई हाथ नहीं है क्योंकि फायदे से ज्यादा उनको नुकसान होगा तो ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए ताकि आप डिसाइड कर पाए कि आपको करना क्या है आगे अगर आपके पास एप्पल ट्वेल्व सीरीज का कोई भी फोन है तो मेरे हिसाब से आपको एप्पल 13 लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस नहीं आए हैं लेकिन एप्पल 14 जो है वो एक गेम चेंजर होगा क्यों ये मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में एप्पल 14 हु कॉपी किया जा रहा है एप्पल 4 से और मैं ये आपको बता देती हूँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि एप्पल फोन अपने टाइम में बहुत ज्यादा गेम चेंजर रहा है साथ ही साथ इसका डिजाइन बाकी सारे एप्पल फोन से अलग रहा है ये एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया था तो आप एक बार डिजाइन देख भी लीजिए यहाँ पे एप्पल फोर का जो डिज़ाइन है उसे लुक और उसी बिल्डअप को लिया गया है एपल फोर्टीन के लिए अब एपिल फोर्टीन जो है इसमें क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है अगर मैं एप्पल फोर को एप्पल फोर्टीन से कंपेयर करूं तो एक डिफॉल्ट जो एपल फोर में था वो ये था कि फ़्रंट और बैक में ग्लास था और जब वो गिरता था तो पूरा का पूरा चरमराया जाता था लेकिन एपल फोर्टीन में इस डिफ़ॉल्ट को चेंज किया जाएगा तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जो अच्छी चीज़ ली गई है एप्पल फोर से वो सबसे पहली बात है कि कैमरा पंप नहीं है मतलब स्पेस काफी है बैटरी को इंप्रूव करने के लिए स्पेस और ज्यादा बैटरी के लिए फोन को जरा मोटा कर दिया गया है ताकि बड़ा बैटरी आ सके इसमें वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन गोल दिया गया है बिल्कुल एग्जैक्टली एप्पल फोर की तरह साथ ही साथ जो डिज़ाइन होगा ना काफ़ी क्लियर होगा माना जा रहा है कि एप्पल फोर्टीन में नॉच ना होकर पंच होल हो सकता है और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन वो वो क्या चीज़ प्रेफर करते हैं अगर आपको पंच होल अच्छा लगता है तो भी कमेंट कीजिए आपको पंच होल अच्छा नहीं लगता आपको कोई दूसरा प्रेफरेंस है तो उसके आप ज़रूर कमेंट कीजिए मेरे हिसाब से मैं उतना सोचती नहीं हूँ अगर फ़ोन अच्छा है वही काफ़ी है मेरे लिए लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि अगर पंच होल होगा तो ज़्यादा डिस्प्ले एरिया होगा स्ट्रेंज बात यह है कि इस पर आई 5 का डिज़ाइन नहीं लिया गया एप्पल 4 का डिज़ाइन लिया गया अब क्यों क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बोला कि एप्पल 4 अपने टाइम में सबसे मतलब क्रांतिकारी फ़ोन जैसा था एप्पल सीरीज में एप्पल फ़ोर में मोस्टली तो यूज़ किया गया था स्टेनलेस स्टील फ्रेम लेकिन एप्पल 14 में माना जा रहा है कि टाइटेनियम फ्रेमवर्क होगा मैं आपको बता दे तो टाइटेनियम स्ट्रॉग भी होता है लाइट भी होता है पर थोड़ा प्राइसी भी होता है तो ऐसा हो सकता है कि एप्पल 14 का प्राइस रेट थोड़ा ज़्यादा हो इंटरेस्टिंग चीज़ एक और है कि क्योंकि कैमरा बंप नहीं है तो काफ़ी स्पेस भी दिया गया है तो एक पेरिस्कोपिक जूम भी दिया जा सकता है साथ ही साथ सबसे बड़ा खुलासा क्या है आपको पता है इसमें थ्री एन एम टेक्नोलॉजी में थे पर ये जो फोन आने वाला है एपल फोर्टीन थ्री एन एम टेक्नोलॉजी पे होगा और ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है क्योंकि आप मान के चलो कि परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है बैटरी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी होगी मान के चलो कि अभी के टाइम्स में एपल के सारे फोन से कंपेयर किया जाए तो 20 से पच्चीस परसेंट कुछ कुछ चीजें और भी देख लेते हैं तो चार्जिंग पोर्ट सी नहीं दिया जाएगा किसी भी फोन में अभी नहीं दिया जा रहा तो इसमें भी नहीं दिया जाएगा जो सामने का डिस्प्ले है रेटिना डिस्प्ले है इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है एप्पल ट्वेल्व सीरीज में टच आई डी नहीं था एप्पल थर्टीन सीरीज में भी टच आई डी नहीं है तो एप्पल फोर्टीन का कोई गारंटी नहीं कि यह फीचर यूज होगा कि नहीं एक और हाईलाइटिंग पॉइंट ये है कि इनकी सॉफ्टवेयर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि बाय द टाइम 2023 तक अगर 2022 तक जब ये फ़ोन आ जाएगा तो आई ओ एस जो अभी चल रहा है आई ओ तक आ जाएगा तो सी बात है कि फ़ोन का परफॉर्मेंस लेवल और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा तो मेरे ख्याल से अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हो तो मैं तो यही बोलूंगी कि अगर आप एक बहुत अच्छा एप्पल का फ़ोन लेना ही चाहते हो तो स्पेकुलेशन के हिसाब से एप्पल 14 का हमें वेट करना चाहिए कोई क्योंकि एप्पल के फ़ोन हम लोग बार बार तो खरीद नहीं सकते एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है कोई एप्पल का फ़ोन लेना तो आप वेट कीजिए देखिए और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था फर्स्ट इंप्रेशन अनबॉक्सिंग पे ध्यान मत दीजिए वेट कीजिए एप्पल 14 का और अच्छे से आप देखिए कि आपके अकॉर्डिंग एप्पल 14 है कि नहीं जो कि मुझे लगता है होगा ही काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं और शायद अभी तक का सबसे बेस्ट एप्पल का जो सीरीज आने वाला है वो एप्पल फोर्टीन होने वाला है अगर आप पहली बार एप्पल का फ़ोन ले रहे हो तो हाँ ज़रूर आप प्रिफर कीजिए एप्पल थर्टीन को पर अगर आपके पास एप्पल इलेवन है या एप्पल ट्वेल्व है तो मेरे ख्याल से आप बंद करके एप्पल 14 ही लीजिए क्योंकि अभी तक का सबसे अच्छा एप्पल का प्रोडक्ट जो आने वाला है वो एप्पल 14 सीरीज ही होगा तो एप्पल 14 की कुछ कुछ मोटी मोटी बातें मैं आपको बता देती हूँ इन जिस्ट सबसे पहले कैमरा बम नहीं होगा बैटरी बड़ा होगा थ्री एन टेक्नोलॉजी का प्रोसेसर होगा जो कि फ़ोन को ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्गर बना देती है टाइटेनियम का फ्रेमवर्क हो सकता है जो फ़ोन को थोड़ा सा प्राइस रेट पे बढ़ा सकता है लेकिन एप्पल फोन सब महंगे ही होते हैं तो फिर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता फास्टर फ़ोन होगा स्ट्रॉगर फ़ोन होगा स्टर्डी फ़ोन होगा और सामने का जो डिस्प्ले होगा नॉच ना होकर पंच होल होगा तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा ये वीडियो बिल्कुल जिस में मैंने बना दिया क्योंकि अभी मार्केट में ये दोनों दोनों का न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल रहा है आप अवेयर रहिए कि आपको पैसा किस में इन्वेस्ट करना है मेरा इंटेंशन पहले जैसा ही है कि आपका पैसा बचे और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मैं आपके हर एक कमेंट्स को पढ़ती हूँ एंड थैंक यू सो मच अभी तक आपने मुझे सपोर्ट किया है मेरे सब्सक्राइबर्स थ्री तक आ गए हैं आई एम सो हैप्पी तो आपको बहुत बहुत थैंक यू और आगे भी मैं ऐसी अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए लेके आऊंगी तब तक के लिए स्टे हैप्पी।